प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाला जाएगा। इससे राजनीतिक उठापटक जारी है। दल बदल का दौर लगातार ही जारी है। अपनी जमीन तलाशने के लिए पार्टी से नाराज नेता दूसरे दल का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में मतदान के दो दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से कांग्रेस नेता योगेंद्र रघुवंशी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष आज योगेंद्र रघुवंशी बरेली ने अपने समर्थकों सहित भाजपा ज्वाइन कर ली है। इस दौरान योगेंद्र ने कहा कि वे मुख्यमंत्री चौहान के कार्यों से काफी प्रभावित हैं। कांग्रेस में निरंतर उपेक्षा के कारण भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योगेंद्र रघुवंशी और उनके साथियों का भाजपा में स्वागत किया। बता दें कि योगेंद्र रघुवंशी बरेली से कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र हैं। इस अवसर पर आदित्य सिंह, सचिन सिंह, ब्रजेश सिंह, वैभव सिंह, ब्रजेश रघुवंशी, रवि रघुवंशी, सुनील ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, रिंकू सिंह आदि अनेक जनप्रतिनिधि रघुवंशी समाज के उपस्थित रहे।